हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग सिटी। आज मैं बना रही हूँ, मेरे घर में बचे हुए दही थे, दही खट्टा हो गया था। खट्टा दही कोई नहीं मेरे घर में खाता है, और खट्टा दही मेरे यहाँ कढ़ी में भी नहीं यूज होता है। सो मैं सोची चलो आज मैं बना देती हूँ एक नई रेसिपी। उसके लिए देखिए, हमने लिया है तड़के में जीरा और सरसों, मिर्च और कसूरी मेथी। उसके लिए हमने डाल दिया ऑयल में और वो तैयार हो रहा है। मैं दो प्याज कट करके रखी हूँ और मैं इसे सब्जी बना रही हूँ, देखिए। और ये काफ़ी अच्छा बन गया था और मेरी सासू माँ को काफ़ी पसंद आया ये। और मैं प्याज को फ्राई करूँगी और काफ़ी अच्छा बना था ये सब्जी। फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइएगा। खट्टा दही था लेकिन ये सब्जी काफ़ी प्यारा बना था, खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं हरी मिर्च कट करके रखी थी, 4 हरी मिर्च था, और मैं इसे डाल दी और ये मैं फ्राई करूंगी अब। इसमें कढ़ी पत्ता अच्छे से पड़ता है, लेकिन मेरे घर में ज़्यादा कढ़ी पत्ता नहीं था, दो चार ही था, छोटा छोटा सा, वही मैं डाल दी। सो कढ़ी पत्ता इसमें 5-6 पीस बड़ा बड़ा डालिएगा तो अच्छा लगेगा। सो मैं डाल दी, अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ क्योंकि मैं मसाला इसी में डाली हूँ, दही में नहीं डालूँगी। सो पानी डाल दी क्योंकि मसाला जले ना। उसके लिए अब मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर आने के लिए, और एक कश्मीरी लाल मिर्च, और मैं थोड़ा सा डालूँगी धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा बस। अब मसाला मैं कुछ नहीं डालूँगी इसमें। और इस सब्जी यकीन मानिए फ्रेंड, काफ़ी अच्छा बना था। आप लोग भी बना के देखना, काफ़ी अच्छा लगा था। मैं चावल के साथ सर्व की थी, काफ़ी अच्छा बना था ये। नमक डाला, नमक तो हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालते हैं। काफ़ी आज शोर शराबा हो रहा है नीचे। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। दही में पानी नहीं डाली थी मैं, ये बाजार की दही थी, इसीलिए ज़्यादा खट्टा हो गया था, 2 दिन का दही था, ला के रखा हुआ था। मैं रेसिपी बनाने के लिए मंगाई थी और लेकिन बनाई नहीं थी। मैं सोची चलो आज यही बना देती हूँ, काफ़ी अच्छा बना था। अब इसे अच्छी तरीके से मिलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो ये फट जाएगा दही। जब तक उबालना है तब तक दही को हम मिलाते रहेंगे। देखिए अब इसमें उबाल आना शुरू हो रहा है। जब उबाल आने लगेगा फिर मैं इसे छोड़ दूंगी थोड़ा सा। देखिए अब उबाल आ रहा है, अब इसे मैं थोड़ी देर ढक के पका लूँगी। ये दही तो पकाने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन पका लेंगे तो और अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा और सब्जी गाढ़ा बन जाएगा। ये अभी थोड़ा पतला है तो थोड़ा और गाढ़ा बन जाएगा। चावल, रोटी, पराठे किसी के साथ सर्व कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है ये। आप लोग बना के देखना, दही और प्याज की सब्जी काफ़ी टेस्टी। देखिए अभी हमारा हो चुका है। अब मैं इसे धनिया पत्ता से सजा दी। धनिया पत्ता तो मैं डालती ही हूँ, सब में अच्छा भी लगता है। ये सब्जी हमारा हो गया। अब मैं गैस को बंद करूँगी थोड़ा सा चला के। फ्रेंड्स, लगभग ये सब्जी हमारा बन चुका है। अब मैं गैस को ऑफ करूँगी, सब्जी को ढक दूंगी। देखिए हमने गैस को ऑफ कर दिया, हमारी काफ़ी अच्छी सब्जी बनी थी। मैं अपनी सासू माँ को चावल के साथ ये सब्जी दी थी। थैंक यू फ्रेंड्स।